ये वाला जो है ये रियल टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट है पॉलिसी का। 56 पूछता है कि सिटी ए हैज 50,000 हाउसहोल्ड्स, ओनली 10,000 हाउसहोल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अदर हाउसहोल्ड्स डिपेंड्स ऑन ऑयल एंड लाइटनिंग पर्पस, ये लाइटिंग पर्पसेस, ऑयल फॉर लाइटिंग पर्पसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन ऑयल बट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आर लोअर प्राइमरली ड्यू टू पुअर एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेस, येट इन सिटी बिल्कुल ए देयर इज अ डिमांड फॉर हाउसहोल्ड विथ नो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डिमांड इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, ये बताओ तो क्या है? एफिशिएंसी ये जो जवाब देगा वो निपुण, तुम्हें पहले बोलना जरूरी है, बाकी लोग सोचो सॉरी तो जरा सा। फिर सोच। There is a demand from households. इफिशिएंसी आई थिंक इक्वालिटी भी हो सकता है, होगा। तो इस 10,000 निपुण हाउसहोल्ड, इज वेरी मच राइट। इक्वालिटी, हाँ वही इक्वालिटी होगा भी हो सकता है एफिशिएंसी सर, बिल्कुल नहीं कुछ भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेस जो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो लोअर है प्राइमरली ड्यू टू पुअर एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेस, तो ये बेसिकली जो है वो इनिफिशियंसी बताता है और गवर्नमेंट के लॉजिस्टिकल ऑफिस के। हाँ इनएफिशिएंसी। इलेक्ट्रिसिटी के प्राइवेट कनेक्शंस नहीं हो सकते, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर आता है क्या ये वाला सेक्टर? निविदा नहीं, वो तो वो बात की बात है, अभी तो बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाता है, बट बेसिकली जो रूलिंग या जो डिसीजन की वो होती है ना पैरामीटर्स, वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है। ये एक वर्चुअल सिचुएशन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे ना वर्चुअल सिचुएशन है, और आपको उसको वो थ्योरेटिकली एनालाइज करना है कि एनी पर्टिकुलर इवेंट विच हैपेंस वो किसके अंडर लाई करेगा। तो इक्वलिटी यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि देर इज नो अनइक्वलिटी डिफाइंड कि वो 10,000 जिनके हाँ पास इलेक्ट्रिसिटी है और जिनके जो 40,000 जिनके पास नहीं है वो अनइक्वल कैसे है ना? अगर ये बोलता है कि रिच पीपल हैज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड पुअर डज नॉट, तब आप बोल सकते थे कि इक्वलिटी की वो डिमांड है, बट यहाँ पे जो सिटी ए का जो डिमांड है हाउस होल्ड के थ्रू है ना वो इफिशियंसी को लेकर है, कि पास है तो लैक ऑफ हाँ एफिशिएंसी ऑफ कि द गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू सो। प्रोवाइड हाँ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिटी ए हैज 3,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बी हैज 5,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ईच ऑफ दीज यूनिट्स प्रोड्यूसेस 40% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉर द स्टेट, सिंस रेस्ट ऑफ द स्टेट प्रोड्यूसेस ओनली 20% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, द स्टेट हैज बीन प्रोवाइडिंग बल्क ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री टू बोथ दीज सिटीज, Each cities A and B gets 45% each of the total industrial energy from the state. At the measure of mayor of city A is demanding further energy or tax exemption for energy used. The demand is primarily based on. अब ये बताओ। ई स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट Yes. क्यों? क्योंकि क्योंकि वो जो है सिटी ए का जो मेयर है वो चाहता है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल आउट यूनिट्स और बढ़ाएं, ठीक है, तो वो अपने आप को मतलब बोलता है कि सिंस हमारा लो है तो वी कैन, समझ रहे ना मेरी बात, कि हम और अच्छा करें और ज्यादा आउटपुट बढ़ाएं, ठीक है, तो वो स्पेशल जैसे स्टेट बिहार स्टेट जो है या कई सारे स्टेट जो है वो उनके यहाँ गरीबी होती है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड बट स्टिल दे लुक फॉर हायर ये फाइनेंशियल एड जस्ट बिकॉज कि वो चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वी कैन विल बी एबल टू ब्रिंग मोर डेवलपमेंट टू द स्टेट। तो ये सिटी ए का जो मेयर है वो स्पेशल ट्रीटमेंट के अंतर्गत ये डिमांड करेगा। 58 विलेज ए एंड विलेज बी आर सेपरेटेड बाई रिवर, अ ब्रिज exist over the river and travel distance from village A to village B is 15 kilometer. Village A has a population size of 4,000 residents. Village B has a population size of 10,000 residents. The state administration has decided to construct a school in village B, citing the reason that there are 500 school-going children Children. in village B compared to 200 in village A.
The reason by the state is based on the principle of what? Batao. Efficiency. Yes. Efficiency. D. Yes. है ना? तुम लोग को यहाँ पे क्वालिटी लिबर्टी ये सब जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है ठीक है. इक्वालिटी. द कॉटन मर्चेंट मेक्स प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज पर किलोग्राम इफ ही एम्प्लॉयज चाइल्ड लेबर. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स हु आर रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू पिकअप कॉटन which brings them around about 5,000 per month. Yet a human rights organization in the locality is citing the reason of compulsory education for the children and demanding the cotton merchant not to employ children. The demand is primarily based on, ab ye batao. Liberty. Nahi. Security. सिक्योरिटी कैसे? सिक्योरिटी ऑफ राइट टू एजुकेशन. हाँ एजुकेशन सिक्योरिटी. हाँ वो जो सोशल सिक्योरिटी एजुकेशन सिक्योरिटी होता है ना उसके सेंस में बात हो रही है. सर ऐसे तो सर उसको एक लिबरल आउटलुक भी तो दे सकते हैं ना कि टू गिव लिबर्टी टू चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन. देखो ये कंपलसरी एजुकेशन जब होता है ना तो इट्स अगेन नॉट अ वेरी लिबरल थिंग. मतलब अगर बच्चा चाहता है कि हम नहीं पढ़े तो बच्चों को पढ़ाने का प्राइमरी रीजन तो सिक्योर करना है ना उनको. हाँ. उनके लाइफ को सिक्योर करना तो इसलिए यहाँ पे लिबर्टी नहीं आएगा. लिबर्टी में ये होता है कि आपको कि नाइट में घूमने का मौका दिया जाए है ना इस तरह की चीजें लिबर्टी में आती है ठीक है. No, but sir, जैसे ये भी एक लूपहोल था कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी और यूनिवर्सल करी थी हायर एजुकेशन नहीं. हाँ. तो ये भी तो लिबर्टी के अंदर आ सकता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन की एक्सेस हो. नहीं ये लिबर्टी के अंदर कैसे आएगा? देखो हायर एजुकेशन का इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ना ये कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन है स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन है. एलिमेंट्री तो एलिमेंट्री फ्री करना इज अ डिफरेंट थिंग और कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन करना इज अ डिफरेंट थिंग. तो कंपलसरी कर रहे हैं तो वी आर किलिंग द लिबर्टी पार्ट है ना. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है या कोई पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहता है बट गवर्नमेंट वॉन्ट्स इट टू बी कंपल्सरी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन की उसकी चाइल्डहुड सिक्योर हो है ना बिकॉज ही कैन नॉट टेक द डिसीजन बाय हिमसेल्फ. तो उसके बाद है लास्ट है अ हाईवे विच चार्जेस हेवी टोल इज बिल्ट थ्रू विलेज ए थ्रू द हाईवे वाज यूजफुल फॉर विलेज ए दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हेवी टोल सिंस इट वाज अनअफोर्डेबल फॉर देम. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू गिव एन एग्जेम्पशन टू विलेज ए ठीक है विलेज ए को एक्सेम्पशन दिया जा रहा है ऑन टोल सिंस द हाईवे वाज बिल्ट थ्रू विलेज ए एंड लाइकली टू बी यूज्ड मोर बाय विलेज ए देन अदर विलेजेस. द डिसीजन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर या एफिशिएंसी. वेलफेयर होगा पक्का. सर इक्विटी भी तो हो सकता है क्योंकि क्योंकि जब हाईवे उनसे ज्यादा चार्ज कर रहा है टोल तो वो दोनों के लिए इक्विटेबल होगा कि वो उनके लिए टोल दे रहे हैं और उन्हीं के लिए उनका ब्रिज या फिर हाईवे बन रहा है. मतलब टोल नहीं दे रहे ना ये इस डिसीजन के लिए बोल रहा है. ये तो सर ये वेलफेयर ही लग रहा है बिकॉज़ वेलफेयर. हां ये इसके लिए पूछ रहा है निपुण की एग्जेम्पशन ऑफ टोल जो है ना विलेज ए के लिए ये जो डिसीजन है वो किसके अंदर लाई करेगा? वेलफेयर इक्विटी का एक ये रीजन सोशल इक्विटी हो रहा है. बट वेलफेयर कैसे हुआ? वो तो पैसे टोल कलेक्ट करके उनसे उनके लिए अनअफोर्डेबल था इसलिए वो बना रहे थे. उसमें वेलफेयरिज्म थोड़ी ना हुआ. वेलफेयर तो मतलब उनके लिए वो कर दिया ना. एग्जैक्टली उनके लिए वो कर दिया मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया मतलब कि वेलफेयर मींस की सोशल इक्विटी. हां क्योंकि उन्होंने इसी के लिए तो प्रोटेस्ट किया ना कि वो अनअफोर्डेबल था.
दोनों के लिए इक्विटेबल होगा ना वो, क्योंकि वो भी पे कर रहे हैं, उनके लिए अनअफोर्डेबल है और स्टेट उनके बिहाफ पे बना रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अरे सुनो सुनो, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है कि सिंस द हाईवे वॉज बिल्ट थ्रू विलेज ए, है ना, एक ये थ्रू विलेज ए है तो ग्रेच्युटी भी तो हो सकता है। हम आभार प्रकट कर रहे हैं। क्या होती है सर, एक बार बताना। ग्रेच्युटी होती है, जैसे मैं तुम लोग को एक मिनट रुक जाओ। ग्रेच्युटी होती है कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल, मतलब आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कंपनी ए में अगर कोई इंडिविजुअल, है ना, एक कंपनी में पर्सन ए जो है अगर 5 साल काम कर देता है, तो 5 साल काम करने के बाद अगर वो छोड़ता है तो कंपनी को ग्रेच्युटी देना पड़ता है, है ना। ये गवर्नमेंट का फिक्स है। हाँ, एहसान की आप पूरे 5 साल अपने लाइफ का हमको दिए तो 20%, हाँ, तब वो तो ग्रेच्युटी। ऐसे तो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, बट ग्रेच्युटी इज समथिंग दैट यू गेट एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ यू प्रोवाइडेड समथिंग टू द वो विलेज। तो विल थ्रू ए है ना, और चूंकि सिंस ए के थ्रू बना है, है ना, और ये लिखा भी हुआ है कि सिंस द हाईवे वाज बिल्ट थ्रू विलेज ए एंड लाइकली टू बी यूज्ड मोर बाय विलेज ए, तो इसलिए हम उनको ग्रेच्युटी दे सकते हैं। तो दिस रिटर्निंग फेवर है। हाँ, तो ये तरह से फेवर है। सर इक्विटी सुनो, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, ठीक है।